Hello ji, good evening all of you. Welcome to this platform of Dronacharya. Today we are going to discuss the questions from UPSC prelims that just took place on 4th October, that is yesterday. So hum log aaj cover karne wale hain the questions from the topic environment and certain other topics including environment, for example agriculture, etc. Okay, so let us start with this first question. With the present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following? तो इस क्वेश्चन में सिंपल था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग पूछा गया है एंड जो हमारे ऑप्शन हैं आप देखिए, ब्रिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, डिजीज डायग्नोसिस, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन एंड वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इट वॉज वेरी क्लियर, इसके अंदर एक तो फर्स्ट वाला जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में बात किया गया. सो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं हम उसके अंदर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, राइट? तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द, अगर हम ऑप्शन में से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हट गया, तो 2, 4, 5 वाला जो ऑप्शन है वो बचता था. सो दैट इज द प्रोबेबल आंसर. बट इसके अंदर एक और चीज़ है कि डिजीज डायग्नोसिस के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगा है. सो 3 इज ऑल्सो करेक्ट, बट कोई ऑप्शन बन नहीं रहा था. सो सी इज द राइट आंसर, दैट इज 2, 4 एंड 5, राइट? ओके, ऑलरेडी हम लोगों ने आपके साथ कीज जो है वो शेयर कर दी है. सो आई होप आप लोगों ने वो चीज़ चेक कर ली होगी. आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, साथ साथ में हम लोग आंसर्स भी करेंगे, राइट? और यहाँ पे है इसकी सारी हमारी एक्सप्लेनेशन एंड इन दिस एज आई रिटन हियर कि कंजम्पशन जो होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाला है, कम नहीं होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिजीजेस जो हैं वो आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर बनने लग गए हैं जिसके थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं ईजिली, राइट? एंड वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली कि जब आपको वायर का ज़रूरत नहीं है, सो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू प्रोवाइड कराई जा सकती है, इट इज़ वेरी क्वाइट ऑब्वियस. हाउ इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करने में हेल्प क्या करेगा, वो जो भी सिस्टम हम बनाने वाले हैं वो इट सेल्फ इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें उसके अंदर वायर का जरूरत नहीं पड़ने वाला है. सो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, द वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी वन. फाइन जी, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे कन्वेंशन से रिलेटेड एज वी डिस्कस्ड इन आवर क्लासेस ऑल्सो कि एक क्वेश्चन जो है वो डिक्लेरेशन या कन्वेंशन या समिट्स में से आता ही है, तो इस बार भी था विच वॉज क्वाइट ईजी. इसमें अगर आपको एक या दो का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप इजीली गेस कर पाओगे कि क्या था आंसर. सो द क्वेश्चन वॉज अल्मा एटा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, हेग कन्वेंशन, तालानोवा डायलॉग एंड अंडरटू कोलिशन. इसमें से जो सबसे हाईलाइटेड कन्वेंशन अगर रही हैं इन न्यूज तो एक हेग कन्वेंशन है विच वॉज रिलेटेड टू चाइल्ड राइट्स, ठीक है? एंड तालानोवा डायलॉग वॉज ऑल्सो वेरी मच इन न्यूज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस. तो यहाँ से आंसर मिलाना बहुत ज्यादा आसान हो गया था. चाहे अल्मा एटा आपको ना भी पता हो, बट अगर आपको हेग कन्वेंशन के बारे में पता हो, तालानोवा डायलॉग पता था, तो इजिली यू कुड फाइंड आउट दी आंसर विच इज सी 1 एंड 3. तो यहाँ पर मैंने सारा मैंशन किया है कि कौन सा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है. सो डिक्लेरेशन ऑफ अल्मा एटा जो है that was related to the international conference of on primary health care almaty ke andar kazakhstan mein ye hua tha september 1978 ke andar and it expressed the need for the urgent action by all the governments, all health and developmental works and the world community to protect and promote the health of all people. so basically this was related to health, right? next is hague convention. jaise abhi maine mention kiya this was regarding to the children, child rights ke regarding ye cheez thi, very famous one. So this was quite obvious. Then Talanoa dialogue was related to UN climate talks, that is global climate change जो भी हमारा हो रहा है उससे related था ही. Finally, Undertow Coalition is a global community of state and regional governments committed to ambitious climate action in line with the Paris agreements, which was wrongly marked here. तो वो हमारा mention नहीं करेंगे उधर. तो answer हो गया हमारा Hague Convention, right hand Talanoa dialogue. Okay जी, अगले question पे चलते हैं. नेक्स्ट वॉज वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर वॉज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यू पी एस सी दिस ईयर इन दिस एग्जाम. और एग्रीकल्चर को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था,
वेस्ट मटेरियल को किस तरह से यूज किया जा सकता है, क्योंकि मोस्टली वो डंप होता है जाके, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो अभी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं फॉलोइंग में, ये इन तीन चीजों से रिलेटेड होंगे, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेस्ट डिस्पोजल को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पीशीज और वो वाले क्वेश्चंस तो थे ही। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। देखो, अगर हम इसको तोड़ के देखें वर्ड को, तो कहीं फर्टिलाइजर और इरीगेशन को मिक्स करता है, ठीक। तो फर्टिलाइजर्स किस तरह से दिए जा सकते हैं इरीगेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करके, दैट वॉज फर्टिगेशन। फाइन जी, इसके अंदर ऑप्शंस बहुत ही क्लियर थे, कंट्रोलिंग द अल्कलिनिटी ऑफ इरीगेशन वाटर इज पॉसिबल, राइट। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल। इसमें थोड़ा डाउट था, एफिशिएंट इफेक्टिव हो पाएगा एप्लीकेशन या नहीं, वी हैव टू सी। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स इज पॉसिबल, यस। क्योंकि इसके अंदर जैसे आप ड्रिप इरीगेशन का मेथड देखते हो, उसी तरह से इसके अंदर थ्रू द पाइप्स डेडिकेटेडली न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाया जाता है, डायरेक्टली आप प्लांट के अंदर जाके उसको कराते हैं, जिसकी वजह से इरीगेशन में जो भी वाटर का वेस्टेज होता है वो कम से कम हो। ड्रिप इरीगेशन का पर्पज ही ये था, तो फर्टिलाइजर्स को उसी के अंदर मिक्स करके पानी में, और देन स्लोली एंड स्टेडली प्रोवाइड कराया जाता है टू द रूट्स ऑफ द प्लांट, सो दैट उसमें वेस्टेज कम हो और ग्रोथ प्रॉपरली हो। रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल, ऑफकोर्स, क्योंकि हम ज़्यादा पानी इसके अंदर यूज नहीं कर रहे हैं, तो लीचिंग वाला प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल, लीचिंग क्या है कि एकदम से नीचे चला जाएगा सारा का सारा कंटेंट जो, तो वो वाली चीज़ नहीं होगी, रूट्स विल बी एबल टू प्रॉपरली गेन दैट न्यूट्रिएंट्स व्हाट एवर वी आर प्रोवाइडिंग। फाइन जी, तो लेट अस सी दी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर मैंने पिक्चर मेंशन किया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि देर इज अ पाइप लाइक थिंग जहाँ पर हम लोग रूट्स के अंदर डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को, एंड इन द लोअर पिक्चर ऑल्सो यहाँ पे एक पाइप है जिसके थ्रू पानी जा रहा है, और सप्लीमेंट्स जो है या फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स जो है वो हम डायरेक्टली टू द सॉइल रूट्स ऑफ द प्लांट जो है उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट्स मेंशन है जी, इंक्रीज न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन बाय द प्लांट्स, एक्यूरेट प्लेसमेंट होगा न्यूट्रिएंट्स का, माइक्रो डोजेस, आप मिनिम, कोई कोई न्यूट्रिएंट ऐसा होता है जो आपको बहुत मिनिमल अमाउंट में देना होता है, तो वो देना बहुत इजीली पॉसिबल है यहाँ पे। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स केमिकल्स एंड वाटर नीडेड, रिड्यूस लीचिंग ऑफ द केमिकल्स, तो ये हमारा पॉइंट सही हो गया उधर। रिड्यूस वाटर कंजम्पशन ड्यू टू द प्लांट्स, इंक्रीज रूट मास एबिलिटी, वो खींचने के लायक हो जाते हैं, तो आपको कम से कम वेस्टेज होता है, ज्यादा आपको फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट्स नहीं इस्तेमाल करने पड़ते, पानी की खपत भी उतनी नहीं। एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन बी कंट्रोल ऑन द प्रिसाइज टाइम एंड रेट नेसेसरी एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रूट्स कॉन्ट्रैक्टिंग सॉइल बोर्न डिजीजेस, तो डिजीजेस जो हो सकती हैं पॉसिबली सॉइल के अंदर उसको रोकने में काफ़ी हेल्प करता है, बिकॉज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है, इफेक्टिव सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फाइन, सो द आंसर इज 1, 3, and 4। मूविंग फॉरवर्ड, यस, द क्वेश्चन वॉज कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स, आयन मिनरल्स के नाम थे बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट एंड सिलिमेनाइट, चार तरह के ये मिनरल्स मेंशन किए थे। तो उन चार मिनरल्स में से उन्होंने पूछा था कि ऑफिशियली डेजिग्नेटेड मिनरल्स कौन से हैं, नाउ दिस वाज अ वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन, शायद ही किसी के माइंड में ये चीज स्ट्राइक करे उतना ईजिली, ठीक, स्पेसिफिकली आपको पढ़ने का जरूरत है। इसका आंसर अगर हमने ढूंढने की कोशिश करें तो हमें मिलता है फ्रॉम द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, तो उसके अंदर उन्होंने लिस्ट मेंशन किया हुआ है कि ऐसे कौन से मिनरल हैं हमारे जिनको हम ऑफिशियल मिनरल्स या डेजिग्नेटेड मिनरल्स जो है वो काउंट कराते हैं, या ग्रॉस वैल्यू एडिशन के अंदर जिनको हम इंक्लूड करते हैं। फाइन जी, तो उनमें से ये कुछ मिनरल्स थे जिसमें हैं, फर्स्ट को छोड़ के बाकी तीनों, क्रोमाइट, कायनाइट एंड सिलिमेनाइट, ये तीनों के तीनों जो हैं दे आर पार्ट ऑफ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स इन इंडिया। एंड इन तीनों में से भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन है, जो क्रोमाइट है दैट इज अ मेटालिक मिनरल, फाइन जी, एंड द अदर टू द कायनाइट एंड सिलिमेनाइट आर नॉन मेटालिक मिनरल्स, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो क्रोमाइट इज अ मेटालिक मिनरल एंड द रेस्ट ऑफ द टू, कायनाइट एंड सिलिमेनाइट, आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, With reference to ocean mean temperature, which of the following statements are correct?
OMT is measured up to a depth of 26 degrees Celsius isotherm, which is 129 meters in the southwestern Indian Ocean during January to March. OMT collected during January-March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long-term mean. मतलब basically monsoon का पता लगाने के लिए कि वो कितना बेहतरीन हो सकता है, ये कहाँ से पता लगा सकते हैं? ocean mean temperature के थ्रू. अब इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर है कि वो 129 मीटर्स नहीं है, उससे काफी कम है. सो लेस देन 129 मीटर्स, अराउंड 60 मीटर्स के अराउंड, 59-60 मीटर्स के अराउंड जाकर हम ये ओशन मीन टेम्परेचर जो है वो नापते हैं, और उस लेवल पर जाके वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि हमारा मानसून जो है वो किस तरह का होने वाला है. सो थोड़ा सा थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन था ये, एंड That is why. Yes. So, थोड़ा सा टेक्निकल इंफॉर्मेशन था ये बिकॉज ऑफ द नंबर, स्पेसिफिक नंबर इन्वॉल्व. तो अगर किसी को थोड़ा भी आइडिया था ओशन मीन टेम्परेचर को कहाँ पर नापते हैं, लेस देन 100 है, मोर देन 100 है, तो दे कुड इजिली फाइंड आउट. अगेन अ वेरी वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन. ओके जी, क्योंकि मॉनसून की बात है तो मॉनसून को लेके हमेशा इंडिया के रिस्पेक्ट में तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे कीप ऑन आस्किंग सच क्वेश्चंस दिस ईयर मोर इन डिटेल. ओके, सो द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू. यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन है. सो 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म इज सीन एट डेप्थ्स वेरिंग फ्रॉम 50 to 100 मीटर्स ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च. जो है द मीन 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म इज सीन एट 59 मीटर्स. Right, so statement 1 is not correct. Okay, so the answer was 2 only. With reference to chemical fertilizers in India, again fertilizers, again जो है agriculture को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर enthusiasm show किया गया है. With reference to chemical fertilizers in India, consider the following statements. At present, the retail price of chemical fertilizers is market driven and not administered by the government. आपको यही इसी statement में almost our answer clear था कि हमारा जो क्राइटेरिया है फर्टिलाइजर्स को रेट करने का, उनका कॉस्ट तय करने का, वो किस तरह से, वो मार्केट कंट्रोल करता है या गवर्नमेंट बताती है. तो यू नो दैट एनपीके की बात करते हैं, तो अगर उसमें यूरिया की बात करें हम, तो जो यूरिया वाला कंटेंट है या यूरिया वाला जो फैक्टर है उसका जो कॉस्ट है, दैट इज डन बाय द गवर्नमेंट. तो अभी वो डी कंट्रोलिंग नहीं करा है उस केस के अंदर, राइट जी. तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा था अच्छे से, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस. एंड अदरवाइज आल्सो काफ़ी ज़्यादा इन न्यूज़ रहता है, क्योंकि यूरिया जो है उसके लिए सब्सिडी देती है सरकार, तो ऑब्वियसली इट इज़ कंट्रोल्ड बाय दी सरकार. अभी डी कंट्रोल नहीं किया है. सेकेंड स्टेटमेंट इज अमोनिया, विच इज़ एन इनपुट ऑफ यूरिया, इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस. सो यहाँ पर भी काफ़ी कॉमन सेंस वाला था थोड़ा क्वेश्चन. नेचुरल गैस जो है उसके अंदर बहुत सारा ऐसा कंटेंट पाया जाता है जिसके थ्रू वी कैन मेक फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनिया. फाइन जी, सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज. वी ऑल नो दैट क्रूड ऑयल है या नेचुरल गैस है, उसके एक्सट्रैक्शन के टाइम पे वी हैव सर्टेन इम्प्योरिटीज, वी हैव सल्फर कंटेंट इन इट, और उसको हमें निकालना पड़ता है सो दैट हमारा जो फ्यूल है वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके. तो हमें सल्फर का अमाउंट कितना रखना है ये पहले से प्री डिफाइंड होता है. फाइन जी, तो अब क्या है कि जब सल्फर आप निकाल लेंगे तो उस सल्फर का इस्तेमाल बहुत सारे अलग अलग एरियाज में किया जाता है, एंड वन ऑफ दैट एरिया इज यूजिंग इट इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. लेट अस सी दी एक्सप्लेनेशन. सो द फर्स्ट वन इज रॉन्ग, एंड 2 and 3 आर द क्लियर आंसर्स. सो हियर इट इज मेंशन दैट नेचुरल गैस जो है इट इज रिच इन हाइड्रोकार्बन्स एंड इट हैज मेनी सॉलिड एंड लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स इन इट. तो इसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट, वी हैव रिटन हियर दैट प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, एंड अमोनिया इज वॉट NH3. तो नेचुरल गैस से अमोनिया बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है. सो नेचुरल गैस इज मेनली यूज एज अ फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड फॉर्म, इज यूज एज फ्यूल, CNG एज यू नो फॉर व्हीकल्स, विच इज नोन एज CNG. इट इज यूज एज फ्यूल फॉर बॉयलर्स एंड एयर कंडीशनर्स. दिस इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, and mainly it is ammonia because of that nitrogen content. Dhan ji, and sulfur ka yahan par maine mention kiya hai ki kis tarah se fertilizers ko hum log sulfur ko
कन्वर्ट किया जाता है फर्टिलाइजर में यूज करने के, उसको काबिल बनाया जाता है. तो सल्फर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद पेट्रोलियम इंडस्ट्री से देन उसके सल्फेट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि जो सॉयल होती है वो डायरेक्टली सल्फर को ले नहीं सकती. तो पहले सॉइल के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया होता है, उसको कन्वर्ट करता है सल्फेट्स के अंदर, एंड फाइनली उसके बाद वो जाके कंटेंट जो है वो रीच करता है हमारे सॉइल में. एंड व्हाई दिस सल्फर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमने देखा है सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में सुनते हैं कितने ज़्यादा पॉइजनस हैं, बट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द सॉइल? अगर डेफिशिएंट हो जाए सल्फर के अंदर हमारी सॉइल, तो उसके अंदर नाइट्रोजन रूट्स को मिलना और प्रोटीन्स का सिंथेसिस होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. एंड दैट इज़ वाई सल्फर हमें चाहिए, ताकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और साथ में हमारे जो बाकी मिनरल्स हैं वो ढंग से मिल पाए हमारी सॉइल को. डन जी? सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिक्वायर्ड. बिना इसके प्रोटीन्स जो है, नाइट्रोजन जो है, वो हमारे रूट्स के अंदर प्लांट्स को नहीं मिल पाता. दैट इज़ वाई वी नीड सल्फर. अगेन एग्रीकल्चर का यहाँ पर आया इम्पोर्टेंस. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल पार्क्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस बार. स्पेसिफिकली नेशनल पार्क्स को पूछा गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को पूछा गया इन डिटेल. विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान के अंदर है. अब राजस्थान के अंदर भी अब उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा है, ऑब्वियसली यू मस्ट नो दैट डेजर्ट नेशनल पार्क इज इन राजस्थान. नाउ दे आर आस्किंग कि वो दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइडेड. सो दिस स्टेटमेंट वॉज ट्रू. दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका नाम है जैसलमेर और बाड़मेर, दो डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान के जिसके अंदर ये पूरा एरिया जो है फैला हुआ है डेजर्ट नेशनल पार्क का. इसके अंदर लिखा हुआ है देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क. देखो ये थोड़ा सा ना एक डायरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है. जनरली इसके अंदर ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि ह्यूमन हैबिटेशन होगा, जब ऐसा स्टेटमेंट जनरली आता है. बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हमेशा ही ऐसा स्टेटमेंट सही होगा. थोड़ा सा आपको अपना इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे. एंड सेटलमेंट्स की जहाँ तक हम बात करें, यहाँ विद इन द पार्क 73 विलेजेस दैट आर सेटल्ड विद इन द पार्क, इनको उनकी भाषा में ढाणी बोलते हैं. ढाणी करके आपने वर्ड्स वैसे भी सुने होंगे, यानी छोटे छोटे एरियाज हैं जो विद इन द पार्क हैं. दे आर नॉट बिगर सेटलमेंट्स, बड़े विलेजेस नहीं हैं, छोटे छोटे गाँव हैं, लेकिन हैं तो लोग रहते हैं वहाँ अंदर. एंड फाइनली जिसके लिए डेजर्ट नेशनल पार्क जाना जाता है, राजस्थान के अंदर जो इम्पोर्टेंट एक हमारा स्पीशी है दैट इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको लोकली कहा जाता है गॉड अमांग, हैज़ अ कंसिडरेबल पॉपुलेशन. हाँ जी, सो दैट वॉज परफेक्टली करेक्ट. सो द आंसर हमारा जो बना है दैट इज 1 and 3, दैट इज सी. लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Siachen Glacier is situated to the, now this was very interesting and very, I should say obvious, कि क्यों ऐसा था? Because बहुत सारा न्यूज रहा ये वाला एरिया because of China India standoff. तो लद्दाख काफ़ी ज़्यादा इन न्यूज़ था चाइना की वजह से, वैसे Siachen Glacier पाकिस्तान की वजह से इन न्यूज़ रहता है. तो इसका आंसर था जी नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. तो अगर हम मैप के अंदर देखें तो जो हमारा इंडस रिवर में श्योक रिवर जो है उसका, श्योक रिवर के ऊपर वाली साइड पे नुब्रा वैली या नुब्रा रिवर वहाँ पे है, तो नुब्रा वैली वहीं है और उसके बिल्कुल ऊपर Siachen Glacier स्थित है. डन. गिलगित जो है थोड़ा लेफ्ट में पड़ जाता है, ले नीचे है, अक्साइचन इज ऑन द राइट साइड. डायरेक्ट मैप क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36% of India, 36% of Indian's districts are classified as overexploited or critical by the Central Groundwater Authority. तो क्या ऐसा है क्या? क्या 36% districts हमारे classified as overexploited हैं? So, first statement. Second, यही जो authority है Central Groundwater Authority, this was formed under the Environmental Protection Act, which is the correct statement. India has the largest area under groundwater irrigation in the world, which is true. So, 2 or 3, ये statement true है. First statement में थोड़ा सा problem है, ये थोड़े ज़्यादा हैं districts. So, the percentage is not this one. Again, very specific one. Since water has always been in news, conservation of water को लेके बहुत ज़्यादा
बातें चलती रहती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं जिसको लेके ये क्वेश्चन पूछा गया. राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योग्राफी. जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली. वेरी डायरेक्ट स्टेटमेंट एंड द आंसर वॉज दोनों स्फीयर्स में है जी, एक में नहीं है. ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप इन आई. वी नो दैट बहुत कम साइक्लोन्स, नॉट बहुत कम, आई शुड से द बैलेंस्ड आइडिया. कुछ ऐसे साइक्लोन जो ज़्यादा बड़े लेवल पर हावी नहीं हो पाते, उनमें कभी कभी आय का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है, राइट, बिकॉज ऑफ सम ऑर द अदर रीजंस आय का फॉर्मेशन वहाँ पे मिसिंग रह जाता है. सो दिस वॉज अ करेक्ट स्टेटमेंट. द टेम्परेचर इन साइड द आय ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर दैन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स. एक्चुअली इट इज मोर. तो ये कम नहीं होता है वहाँ का इलाका, क्योंकि लो प्रेशर एरिया का है तो उधर टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है रादर देन लेस. सो द आंसर हियर इज 2 ओनली. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर रॉन्ग. डन. सो दिस वाज इजी क्वेश्चन फ्रॉम द साइक्लोन्स टॉपिक. साइक्लोन्स बहुत आ रहे थे तो इट वाज बट ऑब्वियस दैट यूपीएससी वुड आस्क सच क्वेश्चंस. वी कुड एक्सपेक्ट सच अ क्वेश्चन फ्रॉम देम. नेक्स्ट, among the following tiger reserves which one has the largest area under critical tiger habitat. now tiger jo hai hamara hamesha in news rehta hai because of conservation projects bahut sare chalte rehte hain aur shuru se hi hum us hamari sarkar ka jo dhyan hai wo tiger ki population ke upar bahut zyada hai, tiger conservation pe bahut zyada hai. recently news aaya tha ki tiger ka population jo hai wo hamara kafi zyada increase hua hai comparative to previous years. so tiger reserve का question आना लाजमी था यहाँ पर. बात करें critical tiger habitat की तो ये वो area है जहाँ पर हम कोई भी तरह की interference जो है किसी भी तरह का वहाँ पर नुकसान किसी भी further third party entity की वजह से हम नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही ज़्यादा protected area, core area basically यहाँ पर बात हो रही है. so कॉबेट नेशनल पार्क, रणथंबोर, नागार्जुना, श्रीसेलम एंड सुंदरबंस. अदरवाइज अगर हम बात करें तो नागार्जुना सागर एंड श्रीसेलम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व. बट बात क्योंकि यहाँ पे कोर एरिया की है सो द आंसर वॉज सुंदरबंस. हालांकि एरिया जो है उसका कंपैरेटिवली कम है ओवरऑल एरिया, लेकिन जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंदर एरिया था वो सुंदरबंस का ज़्यादा है दैन नागार्जुना सागर से श्रीसेलम. डन जी, सुंदरबंस इज इन वेस्ट बंगाल. नागार्जुना सागर जो श्रीसेलम टाइगर रिजर्व है वो हमारा आंध्र प्रदेश में है. रणथंबोर एंड कॉर्बेट आर कंपैरेटिवली वेरी वेरी लेस इन एरिया. रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो है वो हमारा राजस्थान में है और कॉर्बेट जो है वो हमारा उत्तराखंड के अंदर है. डन जी, ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशी इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 of Wildlife Protection Act 1972, what is the implication? देखिए हम ज़्यादातर जब पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ पे रहता है, हमारा शेड्यूल 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, ज़्यादा ज़्यादा 3 के ऊपर या 5. पर इस बार बहुत यूनिक क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 एंड दैट टू फॉर द प्लांट स्पीशीज पूछा गया. सो द आंसर फॉर दिस इज शेड्यूल 6 के अंदर वो वाली प्लांट स्पीशीज आती हैं जिनका लाइसेंसिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है. कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स मेंशन है शेड्यूल 6 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जिनका लाइसेंस जो है वो प्रोहिबिटेड है, आप उनको इस तरह से उगा नहीं सकते हैं. ठीक है जी, तो शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कंटेन्स द प्लांट्स विच आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेशन एंड प्लांटिंग. कल्टिवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स विदाउट लाइसेंस इज प्रोहिबिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज और आर द एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर. अगेन एग्रीकल्चर आ गया है क्वेश्चन. एंड जीरो टिलेज का मतलब क्या है कि किस तरह से जब आप सीड लगाने से पहले आप जो भी धरती जो है उसको आप तैयारी करते हैं उसकी, वो सारी तैयारी ना करके आप जीरो टिलेज अगर करें तो किस तरह से वो फायदेमंद हो सकता है. Sowing of wheat is possible without burning the residue of previous crop, so that is possible, yes. Without the need for nursery of rice saplings, direct planting of the paddy seeds in the wet soil is possible, true.
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल ट्रू. ऑब्वियसली ये मल्चिंग की बात हो रही है कि आपको उसके अंदर ही मल्च कर देना है, कोई आपको स्टबल बर्निंग वगैरह नहीं करना है. तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बेसिकली क्या है कि वही जो क्रॉप आपने पहले उगाया हुआ था उसी रेजिड्यू को आपने अंदर मल्च कर दिया है. सो इन ए वे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगी, क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट्स नीचे वाली स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई कर रही है, जस्टिफाई कर रही है. सो जीरो टिलेज इज द प्रोसेस वेयर द क्रॉप सीड विल बी सोन थ्रू द ड्रिलर्स विदाउट प्रायर लैंड प्रिपरेशन एंड डिस्टर्बिंग द सॉइल वेयर प्रीवियस क्रॉप स्टबल्स वर प्रेजेंट. जीरो टिलेज नॉट ओनली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, इट ऑल्सो रिड्यूसेज द सॉइल इरोजन, क्योंकि आप उसके ऊपर से वो हटा नहीं रहे हो जो प्रीवियस क्रॉप का था. क्रॉप ड्यूरेशन जो है उसको भी रिड्यूस करता है एंड इरीगेशन रिक्वायरमेंट जो है उसको भी रिड्यूस करता है. वीड इफेक्ट, मतलब वीड इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जब आप क्रॉप उगाते हैं तो आसपास और बहुत छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं जो कहीं ना कहीं जो आपने मेन अपना क्रॉप उगाया है उसके न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं. सो ऐसी चीज़ ना हो उसमें भी ये वाला जो चीज़ है, ये प्रोसेस जो है जीरो टिलेज का, ये हेल्पफुल है, विच इज़ बेटर दैन द टिलेज. सो जीरो टिलेज इज ऑल्सो नोन एज नो टिलेज और निल टिलेज ऑल्सो. डन. सो अभी हमने जैसे बात किया, एडवांटेजेस इसके ये हैं, एनवायरमेंटली ये बहुत ज़्यादा सेफ है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इससे काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कार्बन का जो कंटेंट हम एयर में रिलीज करने वाले थे, एनवायरमेंट में रिलीज करने वाले थे, वो हमने धरती के अंदर ही सिक्वेस्ट्रेट कर दिया है, विच इज अगेन विल बी वेरी न्यूट्रिशियस फॉर द क्रॉप. एंड ऑल्सो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट प्रोडक्शन. जो भी आप फार्मिंग के ऊपर अपने इनपुट्स देते हैं, लैंड को प्रिपेयर करने में जो भी चीज़ें लगाते हैं उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है, तो वो सारा जो चीज़ें यहाँ पर सेव हो जाने वाली. डन. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज रॉ मटीरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स. बायोफ्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एनवायरमेंट, एंड क्योंकि आजकल एनवायरमेंट पोल्यूशन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बात होती है, एयर प्योरिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है, सो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. यूजुअली फोकस जो रहता है जनरेशन के ऊपर रहता है, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन. इस बार थोड़ा हटके क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से जो है उनको यूज़ किया जा सकता है बायोफ्यूल्स बनाने के लिए. तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ग्राउंडनट सीड्स और हॉर्स ग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर एडिबल है, मतलब वो आम लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं खाने की तौर पे. डन. और बाकी जो है कसावा, कसावा एक तरह का, वैसे इसको इंग्लिश में अगर एक और वर्ड में बदलूँ तो टेपियोका बोलते हैं, राइट जी. तो एक तरह का रूट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है बायोफ्यूल्स के अंदर, इतना हम वैसे कंजम्पशन इसकी कम करते हैं. डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स हैं, ऑफकोर्स इसका वैसे यूज़ नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली कैन यूज़ इन बायोफ्यूल्स. देन रॉटन पोटेटोज ऑफकोर्स, क्योंकि लेफ्ट आउट या वेस्टेज वेस्ट मटीरियल है उसको आप यूज़ कर सकते हो, बायो कैटेगरी के अंदर आता है तो आप यूज़ कर सकते हो. शुगर बीट ऑफकोर्स कैन बी यूज एज. तो 1, 2, 5 and 6 ओनली वॉज द आंसर. तो इसमें ग्राउंड नट सीड्स नहीं आएंगे, हॉर्स ग्राम भी नहीं आएंगे. एंड ये कुछ समय पहले ही इसको एक्सपैंड किया गया था, स्कोप ऑफ कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिनको इंक्लूड किया जा सकता है फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन. इथेनॉल इज अ बायोफ्यूल. बाय अलाउइंग द यूज ऑफ शुगर इन जूस, वो यूज़ कर सकते हैं आप. शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक शुगर बीट यूज किया जा सकता है, स्वीट सोरगम यूज किया जा सकता है. स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक कॉर्न, कसावा. डैमेज फूड ग्रेन्स लाइक वीट या ब्रोकन राइस या रॉटन पोटेटोज, कुछ भी ऐसा वेस्टेज हो गया तो वो आप यूज कर सकते हैं जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं है, तो वो सब मटेरियल यूज किया जा सकता है. वैसे भी आप उसको डंप करने वाले हो, सो इट इज बेटर कि वो वेस्ट का जो है अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाए, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन. बिल्कुल ही आसान तरीके से समझने की बात थी इसके अंदर कि एक तो होता है इकोनॉमिक कॉस्ट, चलो ठीक है, जो आपको पैसा पे करना पड़ेगा अदरवाइज जो आप डैमेज झेल रहे हो बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. एक है सोशल कॉस्ट, मतलब आपकी डेली दिनचर्या के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपके ऊपर लॉन्ग टर्म डैमेज कौन सा हो रहा है इन कार्बन एमिशंस के थ्रू, दैट वॉज सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन. बाकी सारे स्टेटमेंट्स में से एक यही स्टेटमेंट थी जो जस्टिफाई एक्चुअल में करती है. It is a measure in monetary value of the long-term damage done by a ton of carbon dioxide emissions in a given year. तो कितना ज़्यादा नुकसान आपने अपने आप को कर लिया है long term में through these carbon dioxide emissions एक साल में,
उसको हम कहते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ कर्म. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रॉप्स. फर्स्ट स्टेटमेंट, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप. दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन. दैट वॉज नॉट राइट. In the last three decades, while the production of kharif pulses has increased and the production of rabi pulses, yahan par I think decrease tha, jo tha yahan par. So basically idhar hai ki dono hi increase hui thi idhar. Kharif pulses bhi increase hua tha aur rabi pulses ka bhi increase hua tha. Jo statement true tha, that was only the first one, that is black gram can be cultivated as both kharif and rabi crop. क्रॉप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया. द इधर उन्होंने बिल्कुल जैसे आम एक सिंपल क्वेश्चन बना के उन्होंने दिया था कि कितना ज़्यादा कैसी कंडीशंस एक क्रॉप को चाहिए. सो डायरेक्ट क्वेश्चन था ज्योग्राफी से. द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर. अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट. इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड 50 to 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ. लाइट वेल ड्रेन सॉइल केपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इज आइडियली सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप. तो इनमें से केवल एक ही है जी, एंड दैट इज कॉटन, जिस जो इन सारे पैरामीटर्स के अंदर सूटेबल थी. बाकियों का कंडीशन जो है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है. सो दिस वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, कॉटन. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सर्फेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स. इट इज़ फॉल्स. सबमर्सिबल पंप्स भी आप यूज़ कर सकते हो सोलर पावर का इस्तेमाल करके. ये टेक्निक अवेलेबल है हमारे पास. सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विद द पिस्टन. तो सेंट्रीफ्यूगल वाला भी जी पॉसिबल है और पिस्टन वाला भी पॉसिबल है. दोनों तरह के सोलर पावर पंप्स की ये जो टेक्निक है ये अवेलेबल है. सो नन ऑफ देम वॉज ट्रू. सो नाइदर वन नॉट टू वॉज द राइट आंसर. With reference to the current trends in the cultivation of sugarcane in India, consider the following statements. A substantial saving in seed material is made when bud chip settlings are raised in a nursery and transplanted in the main field. Now, question jo hai wo sara ka sara concentrate karta hai bud chip settlings ke upar. To ye bud chip settlings kya thi? बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा शुगर केन है उसको कट करके उसके बड्स होते हैं. इफ़ यू हैव सीन शुगर केन विद फुल कंसंट्रेशन, तो उसके अंदर आपको बड्स मिलेंगे जहाँ जहाँ पे गैप पड़ता है उसमें. ठीक, एक तरह का नोड बना होता है. तो वो वाला जो हिस्सा है उसको इस्तेमाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट देते हैं शुगर केन को और उसको प्लेस करते हैं सॉइल के अंदर, जिससे शुगर केन जो है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, रूट्स वहाँ से निकल आते हैं. ठीक जी, तो बड चिप सेटलिंग्स उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विद सिंगल बडेड सेट एज कम्पेयर टू सेट्स विद मेनी बड्स. दिस वॉज फॉल्स. इफ बैड वेदर कंडीशंस प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, सिंगल बडेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कम्पेयर टू लार्ज सेट्स. लार्ज सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल. शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर. येस, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. हम लोग उसे टिश्यू कल्चर करके यानी थ्रू लेबोरेटरी टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल करके उसको ग्रो करवा सकते हैं. डन जी. सो द करेक्ट आंसर वॉज 1 and 4. लेट अस सी हियर. इन दिस पिक्चर आई हैव शोन इन द कॉर्नर यू कैन सी देर आर दिस बड चिप सेटलिंग्स. इन दिस टेक्निक सिंगल बड नर्सरी इज रेज्ड एंड सेटलिंग्स ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड विद वाइडर स्पेसिंग टू फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट सोलर रेडिएशन. तो काफ़ी गैप गैप पे लगा देते हैं ताकि रेज जो है वो आसानी से हमें अवेलेबल हो सके. बजट सेटलिंग्स अचीव सेवरल एडवांटेजेस सच एज सेविंग सीड क्वांटिटी एंड लेबर पावर. तो इस क्योंकि ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट होता है, तो उसकी वजह से हमारा जो सीड का क्वांटिटी है वो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है और लेबर का जो पावर है वो भी कम हो जाता है. ओके. इन द सिस्टम सिंगल बड सेट्स आर प्लांटेड डायरेक्टली इन द फील्ड इन द फरो एट 30 to 45 सेंटीमीटर्स स्पेसिंग बिटवीन द सेट्स. दिस मेथड इज हाईली इकोनॉमिकल एंड सोइंग ऑफ सीड मटीरियल the bud should be the healthy one. Researchers have found that sets have
टू बर्ड्स आर गिविंग जर्मिनेशन अबाउट 65-75% बेटर. तो मतलब ज्यादा वाली जो है, जो दो बर्ड्स वाली है, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है रादर देन द सिंगल बर्ड्स. ओके. टिश्यू कल्चर इज एन एक्साइटिंग न्यू वे टू रैपिडली प्रोड्यूस एंड सप्लाई डिजीज फ्री सीड केन ऑफ एग्जिस्टिंग कमर्शियल वेराइटीज. यूजेज मेरिस्टेम टू क्लोन द मदर प्लांट. सो एज जैसे मेरिस्टेम टिश्यूज होते हैं हमारे पास ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनका इस्तेमाल करके टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोग इनको ग्रो करवा सकते हैं. नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ईच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर. अब इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर कैसे आ गया है जी, एंड इसका आंसर काफी ज्यादा आसान था. फर्स्ट इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप अगर डिफरेंट तरह का क्रॉप्स उगाएंगे तो जो यूजुअली आपके न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज होते रहते हैं विद सिंगल क्रॉप या टू क्रॉप साइकिल जब चलाते हो उसमें, क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपके खपत हो जाती है, तो एक्चुअल में सॉइल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती टू गिव दैट मच न्यूट्रिएंट्स टू दैट प्लांट. तो इवेंचुअली क्या होता है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी. तो हमें क्या करना चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए. वो इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर का एक अच्छा तरीका है, एक अच्छी प्रैक्टिस है. लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन. लेग्यूम्स आर बेसिकली रिलेटेड टू नाइट्रोजन से जो संबंधित जो भी प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं हमारी, जो नाइट्रोजनस होती हैं, उनको लगाने से सॉइल को नाइट्रोजन जो है वो इजीली फिक्सेशन में हेल्प मिल जाता है, जैसे पल्सेस हो गई. सो दे आर वन ऑफ द गुड प्रैक्टिस फॉर इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर. फर्टिलाइजर ऑब्वियसली आपको कम यूज करना पड़ेगा अगर ऐसी क्रॉप्स आप उगाते हो तो. टेंसियोमीटर यूज. टेंसियोमीटर इज यहाँ पे था थोड़ा टेक्निकल काम, अगर किसी का जिसको कहते हैं कि अगर कोई इस चीज़ के अंदर फंस सकता था तो टेंसियोमीटर वाला एक पॉइंट था. एंड टेंसियोमीटर इज बेसिकली इरिगेशन आपने कितनी कर दी है उसको नापने का एक जरिया है. मतलब आप ओवर इरिगेशन ना कर दो, कम इरिगेशन ना कर दो, कितना एप्ट आपको इरिगेशन करना चाहिए, दैट इज उसको मेजर करने के लिए टेंसियोमीटर होता है. वर्टिकल फार्मिंग. वर्टिकल फार्मिंग इज नीचे से ऊपर की तरफ. तो आपने बहुत सारे वर्टिकल गार्डन्स आजकल ऑब्जर्व करे होंगे, बहुत सारे सिटीज़ के अंदर ये आजकल नॉर्म बन चुका है वर्टिकल फार्मिंग का, विच इज़ वेरी हेल्पफुल. क्योंकि अगर चाहे आपके पास ज़मीन के ऊपर उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं हो, लेकिन आप वर्टिकल फार्मिंग करके वर्टिकली प्लांट्स को उगा के बॉटल्स के अंदर या अदरवाइज आप किसी और तरीके से एक्वापॉनिक्स का इस्तेमाल करके, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं. उससे क्या होगा कि आपकी एयर जो है वो नेचुरली प्योरीफाई होती रहेगी, चाहे आपके पास बड़े बड़े गार्डन्स नहीं हैं, बट वर्टिकल फार्मिंग इज़ वन. एंड वर्टिकल फार्मिंग के अंदर आप बहुत सारे छोटे छोटे क्रॉप्स जो हैं उनको उगा सकते हैं, विच कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन. ऐसा क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी के अंदर आ चुका है एंड फ्रॉम द सेम रीजन आ चुका है, रीजन, एंड दैट इज द कावेरी रीजन. कावेरी बेसिन से आया था क्वेश्चन, तो इस बार भी इन्होंने यहाँ से पूछा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर्स को लेके बहुत ज़्यादा ये इन रहते हैं इन न्यूज़. फर्स्ट वन इज नगरहोल नेशनल पार्क, पापेकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो पापेकोंडा को एक छोड़कर बाकी जो तीन हैं वो सेम रीजन के अंदर फॉल करते हैं जी. पापेकोंडा इज इन आंध्र प्रदेश. ये अगर आपको अंदाज़ा लगाना था तो कोंडा नाम से जो भी वर्ड्स जनरली होते हैं वो आंध्र प्रदेश के अंदर आपको मिलेंगे, तो इस वजह से वो एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी का तीन बचे 1, 3 and 4, दैट इज द राइट आंसर. तो इस तरह से एलिमिनेशन लगा के इजीली आंसर बन सकता था. वो गोदावरी बेसिन के अंदर है पापेकोंडा नेशनल पार्क, और बाकी तीनों कावेरी बेसिन के अंदर हैं. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया बायोडाइवर्सिटी, सिलोन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बाबेट, ग्रे चिन मिनीबेट एंड वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट आर. अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आ गई थी, क्योंकि पहला वाला जो है उसमें लिखा है सिलोन फ्रॉग माउथ. अब कईयों के मन में आया होगा कि ये एम्फीबियंस हैं, या कहीं दूसरा जो ऑप्शन अगर किसी के दिमाग में आया था तो वो बर्ड्स था, कि बर्ड्स के जनरली नाम ऐसे होते हैं. बट अगेन दिस वॉज वन ऑफ दोज 20% क्वेश्चंस जो एटलीस्ट गेस तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता. अगर आपको पता था इसका आंसर तो ही आप इसको मार्क कर सकते हो. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो था इसका बर्ड्स है. सो दीज आर ऑल वेराइटीज ऑफ बर्ड्स. व्हेनेवर देयर इज अ वर्ड लाइक
थ्रोटेड वाले कई बार आते हैं ना, व्हाइट थ्रोटेड, रेड थ्रोटेड, इस तरह के वर्ड्स जनरली बर्ड स्पीशीज के अंदर मिलते हैं. तो अगर किसी ने ऐसा थोड़ा आइडिया लगा लिया था उनका शायद आंसर सही हुआ हो, बट अदरवाइज रिस्क नहीं लेना चाहिए, गेस वर्क नहीं चलेगा. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ सब स्पीशीज ऑफ द इंडियन स्वैम्प डियर. वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन इट वॉज कि इंडियन स्वैम्प डियर जो है वो कहाँ पे, बारहसिंगा की बेसिकली बात हो रही है, दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामीण वुड्स. अब बात ये है कि बारहसिंगा को लेके ये न्यूज़ इसलिए था क्योंकि कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस बारहसिंगा की कुछ समय से चल रही है दान जी, और इसका जो आंसर है वो मध्य प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ पे ज़्यादा कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की चल रही है और कान्हा नेशनल पार्क इसके लिए बहुत बखूबी जाना जाता है. सो द आंसर वाज कान्हा नेशनल पार्क एंड नॉट द रेस्ट ऑफ देम. सो ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है ऑलरेडी कान्हा नेशनल पार्क में, विच इज इन मध्य प्रदेश. नेक्स्ट वन, स्टील स्लैग कैन बी द मटीरियल फॉर विच ऑफ द स्टील स्लैग है, स्लैग नहीं, स्टील स्लैग कैन बी द मटीरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए अब यहाँ पे जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि जो वेस्ट मटेरियल रह जाते हैं उनका किस तरह से बेटर इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज वो डंपिंग ग्राउंड्स में ही पाए जाते हैं तो दे आर नॉट यूजफुल अदरवाइज. तो अब हम उनको किस तरह से यूजफुल बना के यूज कर सकते हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस था इस बार यूपीएससी का. तो वन ऑफ द क्वेश्चन वॉज फ्रॉम दिस स्टील स्लैग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड्स में काम आता है, राइट. इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सोयल, येस इट इज़ राइट. कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन था कि कहीं सॉयल के अंदर आप कैसे स्टील स्लैग को इस्तेमाल कर सकते हो, बट येस देर आर प्रोविजन्स. जब हम स्लैग बेसिकली क्या होता है, जब भी आप स्मेल्टिंग का प्रोसेस करते हो तो जो आपका लेफ्ट आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स रह जाते हैं उसको इस्तेमाल करके उनकी क्वेंचिंग करवा के उनको पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करके देन वी मिक्सड विद द फर्टिलाइजर इन सॉयल के अंदर यूज होता है. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर एंड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट. स्टील का यूज बहुत, स्टील स्लैग का यूज बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट में होने लगा है, कॉन्क्रीट को बनाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है दान जी. सो दिस वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर. एग्रीकल्चर के अंदर भी उन्होंने इसको इन्वॉल्व किया है एंड अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ फोकस किया है यहाँ पर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेज टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. इस बार बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे फ्रॉम द स्पीशीज, जैसे पहले स्वैम्प डियर का था अब मस्क डियर का आया. तो ये जो पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनमें से वन एंड टू अ स्पोर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गंगोत्री नेशनल पार्क, दीज टू आर राइट. एंड सो द आंसर इज वन एंड टू ओनली. यहाँ पे नेचुरली हिमालयन मस्क डियर जो है वो पाए जाते हैं. So that was a direct question. Only the people who knew about this could answer this. Right? Okay. So the last question, what is the use of biochar in farming? Biochar can be used as a part of the growing medium. Ab biochar kya hota hai, uske baare mein pehle hum dekhte hain and then we'll read these statements. Biochar is a charcoal-like substance that's made by burning the organic material from agricultural and forestry wastes. तो जितना आपको बायोमास अवेलेबल होता है उन सोर्सेज से उसको इस्तेमाल करके एक कंट्रोल्ड प्रोसेस के अंदर जिसको पायरोलिसिस कहते हैं उसके थ्रू हम लोग बायोचार एक मटीरियल बनाते हैं. अब पायरोलिसिस क्या है, जब हम ऑर्गेनिक मटीरियल्स को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन, अंडरलाइन द थिंग, एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन में करा जाता है पायरोलिसिस. तो जो हमें यहाँ पर मटेरियल मिलेगा आफ्टर द ऑर्गेनिक मटेरियल को बर्न करने के बाद इस पायरोलिसिस के प्रोसेस में, दैट इज नोन एज बायोचार विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट कंटेंट. ओके, बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग. व्हेन ऑफकोर्स वर्टिकल फार्मिंग की बात आ रही है तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अगेन वो चीज कंटिन्यूड रहेगी. When biochar is a part of the growing medium, it promotes the growth of nitrogen-fixing microorganisms. Yes, it is true.
When biochar is a part of growing medium, it enables the growing medium to retain water for long time. The answer is D, 1, 2 and 3. तीनों के तीनों statements जो हैं यहाँ पे true हैं. गलती से यहाँ पे ये highlight हो गया था. But the answer is D, 1, 2 and 3. All the three statements are correct. आपको जिस तरह से मैंने process बताया है, biomass से बना है. तो naturally वो चीज़ का अगर हम थोड़ा guess work भी करते तो भी हमारा सही हो ही जाता है ये answer. Done जी. तो सिर्फ और यहाँ पे focus again क्या करा गया है, agriculture को किया गया. सॉइल की इम्प्रूवमेंट किस तरह से करी जाती है उस चीज़ पे फोकस किया है. ऑल राइट, सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी सेक्शन. तो इसके अलावा जो भी हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे. अभी के लिए इतना ही. एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डिस्कस्ड. एंड प्लस the keys have been discussed with you people. Please note them down and follow the discussions, and we'll meet in the next session. Thank you very much. Thank you. God bless you. Take care.